दोस्तों, अगर दुनिया में एरिया के मामले में सबसे बड़े देश की बात करें तो पहले नंबर पर रूस का नाम आ जाता है, जो आज के समय में दुनिया के ज्यादातर देशों से अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें चीन, जापान, अमेरिका, यूक्रेन, तुर्की, नॉर्वे और नॉर्थ कोरिया जैसे कई देश शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड मैप में आज सबसे बड़ा दिखने वाला रूस कभी एक छोटा सा देश हुआ करता था, जिसे कुछ मजबूरियों की वजह से अपने बॉर्डर को एक्सपैंड करना पड़ा था। तो आखिर कौन से थे वो मजबूरियां, क्या आप जानना चाहेंगे? तो वेलकम बैक टू दी चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा कहा जाता है कि जब रूस इतना छोटा देश था तो कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बना। आज के इस वीडियो में हम आपको रूस के उस इतिहास के बारे में रूबरू कराएंगे जिससे आप अभी तक वाकिफ नहीं होंगे। तो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आज के समय में रूस एरिया के मामले में तो दुनिया में पहले स्थान पर है ही, वही ताकत के मामले में भी किसी से कम नहीं है। ये अमेरिका के बाद दूसरा सबसे पावरफुल देश है। दोस्तों, अगर दुनिया के छोटे देश मोनाको की बात करें तो इसका एरिया 2.1 स्क्वायर किलोमीटर और फ्रांस का एरिया 551,695 किलोमीटर है। वही दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश अमेरिका का एरिया 80 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब है। और कनाडा, जो दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, वो भी एरिया में, जिसकी एरिया 99,84,670 वर्ग किलोमीटर है। इससे लगभग दोगुनी एरिया वाला देश रूस है, जिसकी एरिया 1,71,25,191 वर्ग किलोमीटर है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि रूस के पास दुनिया के हैबिटेबल एरिया का 12.5% हिस्सा है। आपको याद दिलाते चले कि अभी तक हमने सोवियत संघ के उन देशों की बात नहीं की जिनमें तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन और अजरबैजान जैसे कई देश आते हैं, क्योंकि उसकी बात करने पर ये आंकड़े बदल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक हम आज के रूस की बात कर रहे थे। आखिर रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश कैसे बना, इसको जानने के लिए इसके इतिहास पर गौर करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1000 साल पहले रूस एक छोटा सा देश हुआ करता था, जहाँ पर स्लाव लोग रहते थे। इस देश के लोगों की प्रॉब्लम थी कि ये एरिया दुश्मनों की नजरों में था, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान थे, जिसकी वजह से ये एरिया सुरक्षित नहीं था। अल्टीमेटली दुश्मन ने मौके का फायदा उठाकर इन स्लैब पर अटैक कर दिया, और अटैक करने वाले लोग मंगोल थे। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मंगोल दुनिया के सबसे खतरनाक हमलावर थे, जिन्होंने कई देशों पर अटैक करके उन पर राज किया। बता दें, मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अटैक करने के बाद ये मंगोल आक्रमणकारी रूस पर राज करने लगे, लेकिन कई सालों के राज करने के बाद इस देश के एक शहर मॉस्कोवी में कुछ चेंजेस होने शुरू हो गए। इस शहर के लोग जानवरों के फर बेचकर पैसा कमाने लगे और उस पैसे से गन पाउडर खरीद कर उसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया, और इसी चिंगारी ने इस देश के लोगों को जागरूक कर दिया और लोग मंगोलों के खिलाफ उतर आए। इस विद्रोह से मंगोल डर गए और उन्होंने मॉस्कोवी को छोड़ दिया। इसके बाद इस शहर के लोगों ने जमीनों पर कब्जा लिया। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि यही मॉस्कोवी शहर आगे चलकर मॉस्को शहर बना, जो आज के समय रूस के कैपिटल है। इस देश के लोगों ने मंगोलों से फ्रीडम मिलने के बाद डिसाइड किया कि वो अपने देश को अब किसी का गुलाम होने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, अब भी एक प्रॉब्लम थी, वो था घास का मैदान, और इसी की आड़ में हमलावर कभी भी आ सकते थे। इस देश को बचाने के लिए पहाड़ और नदियों की जरूरत थी। इसके लिए इस देश के लोगों ने आसपास के एरिया को जीत कर उसे शामिल कर लिया, और इस एरिया में इन्हें मिल गया यूराल पर्वत, जो इस देश की सीमा का काम करता था। लेकिन अब भी एक बाधा थी, वो थी इस देश की सीमा का एक ऐसा एरिया जहाँ से दुश्मन अंदर आ सकते थे। इसी वक्त रूस में इवान द टेरिबल का शासन शुरू होता है, जिसने इस देश की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए और अपनी सेना को इस देश की सुरक्षा के लिए चारों तरफ भेजा। आपको बता दें कि ये सेना साइबेरिया तक पहुंच गई, और आपको तो शायद पता ही होगा कि साइबेरिया में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। वहीं यहाँ मौजूद जानवरों के फर भी इस देश के लिए फायदेमंद हो सकते थे। रूस की सेना अपने आसपास की एरिया पर कब्जा जमाते जा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि रूस के शासक को कभी कभी ये भी नहीं पता होता था कि उसके सैनिक किस दिशा और कहाँ पर है। 16वीं शताब्दी आते आते रूस की एरिया काफी बड़ी हो चुकी थी, और इस एरिया ने रूस को टाइम जोन बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। तभी तो आज के समय में रूस में 11 टाइम जोन हैं, जो इस देश के अलग अलग एरियाज को कवर करते हैं। अगर आपको टाइम जोन नहीं पता तो हम आपको बता दें कि टाइम जोन किसी भी एरिया के समय को डिसाइड करता है। इस देश का इतना बड़ा एरिया होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के कल्चर, खान पान और भाषा का आइडिया नहीं होता है, और ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। फिर भी लोगों का मानना है
कि इस देश के लोग काफी समझदार हैं, क्योंकि इतना डिफरेंट होने के बाद भी इनके बीच कभी विवाद नहीं होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। ये बात जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि रूस ने जिस तरह अपने देश की एरिया को एक्सपेंड किया वो तरीका दूसरे देशों से अलग था। ब्रिटिश, डच और दूसरे देशों ने अपने फायदे के लिए दूसरे देशों पर अटैक किया, उन्हें लूटा और उनकी जमीन को कब्जाया। वहीं रूस ने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए आसपास के कबीलों से बात कर उन्हें मनाया, लेकिन जो नहीं माना उसके साथ युद्ध हुआ, वो भी नाम मात्र का। रूस ने उन कबीलों का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उनकी सुरक्षा और जीवन का ख्याल रखा, उन्हें अपने देश में मिलाकर देश के सिस्टम में अधिकार दिया, और ये कबीले भी रूस के इस कदम से खुश थे। अगर आप रूस के मैप को देखेंगे तो आपको इसकी 84 टेरिटरीज दिखाई देंगी और इसमें से 22 रिपब्लिक हैं। इसका मतलब ये 22 रिपब्लिक अपने राज्य पर शासन खुद करते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी अलग होती है। इसके अलावा अलग अलग रिपब्लिक के अलग अलग कल्चर होते हैं। इतनी सारी डिफरेंट के बाद भी रूस में एकता है। सिर्फ इंटरनेशनल मामलों में इस देश की सरकार काम करती है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में भी इसी तरह का शासन है, जहाँ पर इतना डिफरेंस होने के बावजूद सभी अपने आप को इंडियन कहते हैं। अगर आप रूस के रिपब्लिक सखा को ले लीजिए तो ये रूस के पूर्व में स्थित है, जहाँ पर जोरदार ठंड होती है। बता दे कि यहाँ स्लाव लोग नहीं रहते, यहाँ पर दूसरी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सखा अपने हीरो के लिए फेमस है और रूस का 25% से ज्यादा हीरे इसी रिपब्लिक से निकाले जाते हैं। इस रिपब्लिक की कैपिटल याकुत्स्क है। बता दे, रूस दुनिया में हीरो के निर्यात में टॉप देशों में आता है। यहाँ पर हीरे काफी ज्यादा मात्रा में निकाले जाते हैं। वही अगर रूस के दूसरी तरफ के हिस्से में दागेस्तान रिपब्लिक स्थित है, जहाँ का मौसम गर्म रहता है, और इसका बॉर्डर चेचन्या है, जहाँ इसकी सीमा अजरबैजान से भी मिलती है। वैसे बता दे कि रूस में ईसाई धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, वही इस रिपब्लिक की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है, यानी यहाँ पर 85% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इन लोगों को देखकर आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये रशियन है जिन्हें आप देखते आए हैं। वैसे इस रिपब्लिक में लोगों को रेसलिंग का कुछ ज्यादा ही शौक है, इसीलिए UFC फाइटर खबीब भी इसी रिपब्लिक से आते हैं। वही जब इस रिपब्लिक से आगे बढ़ते हैं तो हमें कोमी रिपब्लिक मिलता है, जहाँ का नजारा देखते ही बनता है। नेचर से भरा हुआ ये रिपब्लिक सुंदर पहाड़ियों से सजा हुआ है। इसके साथ जब हम तुवा रिपब्लिक को देखते हैं तो हमें मंगोलों की याद आ जाती है, क्योंकि तुवा रिपब्लिक में ज्यादातर मंगोल रहते हैं और इनकी भाषा तुवा है। आपको तो पता ही है कि इन्हीं के वंशज ने रूस पर शासन किया था। इन्हीं मंगोल से सबसे ज्यादा भय स्लाव लोगों को रहता है, जिनके डर से ये लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। आज जहां 20वीं शताब्दी के मध्य में दुनिया के बड़े बड़े देश बिखर रहे थे, उनकी कई पार्ट हो चुके थे, वही रूस आज भी अपने देश को समेटे हुए है। जिस देश में इतने ज्यादा डिफरेंसेस हो, दुनिया के अलग अलग कल्चर के लोग रहते हो, उनको साथ रखना आसान नहीं है, लेकिन रूस जैसी महाशक्ति ने ये कर दिखाया है। ये बात दुनिया को एक सबक देती है। आज के समय रूस दुनिया की ताकतवर कंट्री में से एक है। वैसे बता दे कि रूस के कुल एरिया के कुछ भाग में ही लोग रहते हैं, बाकी का पार्ट खाली पड़ा रहता है। इसका कारण यहाँ की जनसंख्या का काफी कम होना है। तो दोस्तों, उम्मीद है रूस के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में वीडियो से जुड़े कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।